Hello everyone, this is the Electromagnetic Waves and Communication System Part 3. In this part, we are going to do propagation of electromagnetic wave. So, what is the meaning of propagation? In very simple words, the meaning of propagation is transmission. अभी हमको क्या करना है यहाँ पे? Propagation of electromagnetic waves. That means transmission of electromagnetic point. हमें एक point से दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन करना है, प्रोपेगेशन करना है. ओके, तो वी विल टेक अ एग्जांपल. इट जस्ट एग्जांपल, आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल कर रहे हो, तो जो आपके मोबाइल का एंटीना है दैट इज द ट्रांसमीटर, एंड आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल कर रहे हो दैट इज द रिसीवर एंटीना. ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट हो रही है. दैट मीन्स इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है? प्रोपेगेशन हो रहा है. यहाँ पे क्या है? टॉपिक इज प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. हम यहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे? बिकॉज ऑफ वी आर डूइंग कम्युनिकेशन. ओके, तो मोस्ट ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज करते हैं. तो बेसिकली व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर एंटीना टू रिसीवर एंटीना. ट्रांसमीटर और रिसीवर अपने आप में एक एंटीना ही है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर. मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है ताकि आपको ये याद रहे. अब देखो, ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह. ये तीन टाइप से होगी. द फर्स्ट टाइप इज ग्राउंड वेव, ठीक है. द सेकेंड टाइप इज स्पेस वेव, लाइन ऑफ साइट प्रोपिगेशन, एंड द थर्ड टाइप इज स्काई वेव प्रोपिगेशन. ओके, हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों को समझेंगे. बट ये जो ट्रांसमिशन है इसमें एक एटमॉस्फेयर है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो वेव्स है वो क्या होती है? एटमॉस्फेयरिक लेयर से रिफ्लेक्ट होके आती है. ओके, तो यहाँ पे जो अर्थ की सरफेस है उसके नियर बाय जो सबसे लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ की सरफेस से कहाँ तक होती है? 20 किलोमीटर तक होती है. इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर, इसके बाद है मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर. इसका डिटेल्ड स्टडी 12th क्लास में है. ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि यस, ये अर्थ की सरफेस है एंड देन इसके ऊपर बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है. ओके, अब हम आते हैं अपने प्रोपेगेशन पे. तो देखो, तीन टाइप का प्रोपेगेशन है: ग्राउंड वेव, स्पेस वेव एंड स्काई वेव. व्हाट इज ग्राउंड वेव? नाम से ही समझ आ रहा है जो ग्राउंड वेव होता है. तो देखो, यहाँ पे ग्राउंड वेव किस तरीके से ट्रैवल करती है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. मैंने सेम कलर के इंक के पेन यूज किए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. ग्राउंड वेव ब्लू एंड दैट वेव्स इज ब्लू. तो देखो, रेडियो वेव यहाँ पे कैसे प्रोपेगेट कर रही है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, तो बेसिकली ये जो प्रोपेगेशन होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है. ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाता, क्योंकि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं इसके अंदर, ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं इसे. तो ये कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है. ओके, तो दिस इज द ग्राउंड वेव जो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ हो रहा है. एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है. हम क्या कर रहे हैं? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जो हमने अभी देखा. अब आते हैं स्पेस वेव. स्पेस वेव में तीन तरीके से होता है. कैसे होता है? देखो, एक ये ट्रांसमीटर लगाया, एक रिसीवर लगाया. एक तो ये स्ट्रेट लाइन से होता है. यहाँ पे ये देखो, स्ट्रेट लाइन से ट्रांसमीटर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो गया. अब ये जो स्ट्रेट लाइन वाला कम्युनिकेशन है, स्ट्रेट लाइन वाला प्रोपेगेशन है, इसको हम LOS भी बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट. तो इसीलिए जो स्पेस वेव है इन्हें लाइन ऑफ साइट वेव भी बोला जाता है, और इस कम्युनिकेशन को लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. तो एक तो हमने प्रोपेगेशन कैसे किया? स्ट्रेट लाइन से किया. दूसरा होता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एंड सैटेलाइट. दूसरे में कैसा हुआ? ये इधर ग्राउंड पे आई और रिफ्लेक्ट होके दोबारा रिसीवर पे चली गई. तो देखो, ये जो ग्राउंड पे आ रही है फिर यहाँ पे स्पेयर पे जा रही है. तो ग्राउंड पे कौन सी लेयर होती है एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेरिक लेयर. तो इसीलिए इसे ट्रोपोस्फेरिक वेव भी बोलते हैं. ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद आता है कि जो इसका रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से होता है? सैटेलाइट से भी होता है. तो इसका रिफ्लेक्शन एक सैटेलाइट से भी होता है. अब सैटेलाइट के लिए ध्यान रखना है कि चूंकि हम सैटेलाइट पे जा रहे हैं, सैटेलाइट काफी डिस्टेंस पे, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ के लिए आपको फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा चाहिए. तो अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज है तभी सैटेलाइट फ्रिक्वेंसी पॉसिबल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मली इसका यूज़ क्यों करते हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है बहुत ही लार्ज डिस्टेंस के लिए, जो ये सैटेलाइट वाला केस है ना, अगर आपको बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर करना है तब हम किसका यूज़ करेंगे, स्पेस वेव का यूज़ करेंगे। उसमें भी जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला पार्ट है जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन किससे करवाना है, सैटेलाइट से करवाना है। ओके, तो ये हमने स्पेस वेव के अंदर देखा, एक तो स्ट्रेट लाइन के थ्रू प्रोपेगेट होती है, एक ग्राउंड के थ्रू प्रोपेगेट होती है और सैटेलाइट के थ्रू प्रोपेगेट होती है। स्ट्रेट लाइन के लिए लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, जो ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसे ट्रोपोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और जो सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और उसके लिए फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 30 मेगाहर्ट्ज। अब देखो इसको यहाँ पे भी फिगर में समझते हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, फिर ये यहाँ पे ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होके आई और ये यहाँ से सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके आई। अब आते हैं स्काई वेव में, तो स्काई वेव में एंड स्पेस वेव में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्पेस वेव है वो सैटेलाइट से, स्काई वेव है, आई एम सो सॉरी, जो स्काई वेव्स है वो स्पेस वेव की कंपैरेटिवली थोड़ा सा नीचे ही रहती है, ठीक है। जैसे ये क्या रहेंगी, आयनोस्फीयर में ही रहेंगी। ओके, स्काई वेव की रेंज क्या होती है, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। तो इसके अंदर क्या होता है, स्काई वेव के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। यू कैन सी कि ये भी ग्रीन कलर से, ये भी ग्रीन कलर से, तो ये वेव्स गई यहाँ पे, क्या आई, यहाँ से गई और आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आ गई। तो दैट इज कॉल्ड स्काई वेव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। ओके, इसके अंदर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, आयनोस्फीयर से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली स्काई वेव का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन मिलते हैं आयनोस्फीयर से अर्थ में। ओके, तो देखो स्काई वेव के अंदर ये हमने तीनों कम्युनिकेशन देख लिया, ग्राउंड वेव देख लिया, स्पेस वेव देख लिया, स्काई वेव देख लिया, हमें ये भी पता चल गया तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। अब देखो स्काई वेव के अंदर एक एक मार्क्स की दो डेफिनेशन आती है, एक है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी और द सेकेंड इज स्किप डिस्टेंस, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली समझ, मान लीजिए जो यहाँ पे स्काई वेव है, ठीक है, उसका जो रेंज है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज है। ओके, मतलब आप 30 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी दे रहे हो तब तो आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। किस तरीके से, ये अर्थ लगाई, ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है और ये कहीं आयनोस्फीयर की लेयर है। हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसमीटर से निकलती है और ये रिसीवर पे जाके ईजिली पहुँच जाती है। ये कहाँ तक है, 30 मेगाहर्ट्ज। बट आपने क्या किया, 31 मेगाहर्ट्ज दे दी, ठीक है। ये ट्रांसमीटर हुआ, ये रिसीवर हुआ, तो आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसमिट तो हुई बट वो आयनोस्फीयर तक गई नहीं, आयनोस्फीयर तक गई नहीं, वो पहले कहीं रिफ्लेक्ट होके इस तरीके से नीचे आ गई, मतलब वो रिसीवर तक पहुंची ही नहीं। तो दैट फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द, ये जो फ्रिक्वेंसी हो गई 30 मेगाहर्ट्ज वाली फ्रिक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी, maximum value of frequency. Now come to the definition. Maximum value of frequency which can be reflected back to the earth from the ionosphere. तो यहाँ पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन हमारी गई आराम से आयनोस्फीयर में गई और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ गई, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है। तो यहाँ पे क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या हो गई, 30 मेगाहर्ट्ज। अगर 30 मेगाहर्ट्ज से हम ऊपर दे देंगे फ्रिक्वेंसी, ओके, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, वो आयनोस्फीयर को क्रॉस करके भी जा सकती है और वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो सकती। देखो दो चीजें होंगी, या तो वो आयनोस्फीयर को क्रॉस करके ऊपर चली गई या फिर वो हुआ कि आयनोस्फीयर तक पहुंची ही नहीं, दो तरीके होंगे। बट हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ओके, जहां पे ये रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ पे आ जाए। तो 30 मेगाहर्ट्ज इज द क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी नाउ, ओके, जो क्या हुई, यहाँ पे आयनोस्फीयर पे गई और रिफ्लेक्ट बैक होके फिर से अर्थ पे आ गई, रिसीवर पे आ गई। यहाँ पे क्या हुआ, इससे एक ऊपर दी आपने फ्रिक्वेंसी, तो ये ऊपर गई एंड देन रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आती। तो क्रिटिकल का मीनिंग ही यही होता है। इट जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ पानी। आपने बकेट के अंदर पानी भरा तो जो उसका बिल्कुल ऊपर का लेवल है जहां से वो एक ड्रॉप भी नीचे ना गिरे, तो वो क्रिटिकल लेवल हो गया, वो क्रिटिकल हो गया कि इससे तो एक ड्रॉप आपने और ऊपर डाला तो पानी फटाक से नीचे गिरेगा। ओके, तो जो पीक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। सेम विद हेयर, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ पे आ रही है। ओके, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो ही नहीं पाई तो उस फ्रीक्वेंसी को हमने बोला क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इससे ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके अर्थ पे नहीं आएगी। ठीक है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके। ओके, अब हम आते हैं स्किप डिस्टेंस। देखिए स्किप डिस्टेंस क्या होता है। अब मैं डेफिनेशन बोलने से पहले ही आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि देखो बेटा, यहाँ पे जो सेकंड वाला केस था कि जहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऊपर वैल्यू हो गई थी ना, 31 मेगाहर्ट्ज हो गई थी, 30 मेगाहर्ट्ज से 31 मेगाहर्ट्ज हो गई, तो यहाँ पे वो आयनोस्फीयर तक गई नहीं, वो कहीं पहले रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई अर्थ पे, रिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ, आयनोस्फीयर में रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, स्किप डिस्टेंस, जहां पे वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके नहीं आती है। ओके, तो यहाँ पे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इसका यूज क्या है, बेसिकली मीनिंग क्या है इसका। कई बार आप टीवी देखते हो, टीवी देखते देखते कई बार कुछ टाइम के लिए स्क्रीन ब्लर हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा होता है। कई बार आप फोन पे बात करते हो तो एकदम से कुछ सेकेंड्स के लिए आवाज गायब हो जाती है, होता है ऐसा। तो दैट मीन्स वहां पे इंफॉर्मेशन रिसीवर तक नहीं पहुंचवाई, तो वो इंफॉर्मेशन गई कहाँ, वो कहीं बीच में लॉस हो गई। तो वो जहां पे लॉस हुई है ना ट्रांसमीटर से, उसी डिस्टेंस को बोला है हमने स्किप डिस्टेंस। अब थोड़ी इजी लैंग्वेज में आते हैं, नो स्काई वेव कैन बी रिसीव्ड इन द स्किप डिस्टेंस, हमें कोई स्काई वेव नहीं मिलती है इस डिस्टेंस पे। ओके, तो बेसिकली वो कहीं कहाँ, वो कहीं बीच में लॉस हो गई। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये रहा आपका ट्रांसमीटर और ये इंफॉर्मेशन रिसीवर तक नहीं पहुंची, कहीं और बीच में आके लॉस हो गई। तो ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का, इसी को हमने क्या बोला है, स्किप डिस्टेंस बोला है। अब ये कब मिलती है, व्हेन ग्रेटर देन द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। जब भी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, रिसीवर तक नहीं पहुंचेगी, कहीं पे भी अर्थ पे और पहुंच जाएगी। तो दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हमने जो एग्जाम्पल लिया कि जो स्काई वेव का रेंज है वो 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज है। ओके, तो ये 31 मेगाहर्ट्ज पे, तो यहाँ पे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ अबाउट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 30 मेगाहर्ट्ज। अब 31 मेगाहर्ट्ज पे क्या हुआ, जो इंफॉर्मेशन थी वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे नहीं गई, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो कहीं अर्थ पे आ गई। ओके, एंड जो ये वाला डिस्टेंस है इसी को हमने क्या बोला, स्किप डिस्टेंस बोला। ओके, तो इस टाइम पे आपको कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होती है जब आपकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है स्पेस में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू √2rh। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। ओके, तो एक बार इसे देखते हैं कि ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया। मान लीजिए ये अपनी अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस है। अब ये अर्थ की रेडियस हर पॉइंट पे सेम ही रहेगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी कोई चेंज आएगा नहीं आएगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे अर्थ के किसी पॉइंट पे ट्रांसमीटर लगा दिया, ओके, और यहाँ पे कहीं रिसीवर लगा दिया। हमें ये देखना है कि ये ट्रांसमीटर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमें ये देखना है कि जो ये हमारा एंटीना है, ट्रांसमीटर है, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। हमें यहाँ पे ये भी पता है अर्थ की रेडियस r है, इस पॉइंट पे भी अर्थ की रेडियस r है, और जो ये एंटीना की हाइट है इसे हम क्या ले लेते हैं, h ले लेते हैं। ट्रांसमीटर क्या है, एंटीना, तो ट्रांसमीटर की हाइट और एंटीना की हाइट को हमने क्या ले लिया, h ले लिया। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ट्राइंगल बन गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अर्थ की रेडियस है 90 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पे वी कैन राइट r प्लस एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मैंने सेम लिखा r प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करते हैं, दैट इज r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड 2r। ओके, नाउ यू कैन सी ये कंप्लीट पाथ हो गया, हमने ट्राइंगल वाला रूल लगा दिया, एंड ये हुआ डी स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इसमें से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास है h स्क्वायर प्लस 2rh इक्वल टू d स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यू नो कि जो अर्थ का रेडियस होता है वो क्या होता है 6.4 × 10 टू पावर 6, और आप एंटीना कितनी हाइट का डिजाइन कर लोगे भाई, 200 मीटर 300 मीटर, इससे ज्यादा तो डिजाइन नहीं करोगे। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एंटीना की हाइट है वो कितनी कम हो गई इस रेडियस की कंपैरिजन में। रेडियस बहुत ज्यादा होती है एंटीना की हाइट के कंपैरिजन में, तो हम क्या करते हैं इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। एच को क्या किया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, बिल्कुल छोटा सा है आर के सामने। तो ये क्या हो गया 2RH = D², और यहाँ से हमने डी को कैलकुलेट किया अंडर रूट में 2RH। इन द सेम वे ये केवल हमने ट्रांसमीटर के लिए कैलकुलेट किया है, अगर आप रिसीवर के लिए कैलकुलेट करोगे तो अगेन आ जाएगा अंडर रूट में 2RH। ओके, तो टोटल कितना हो गया अंडर रूट 2RH। अगर आपको टोटल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दोनों का कैलकुलेट करना है, अगर सिंगल का कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट 2RH। अच्छा, कई बार इसका ये भी आता है कि एरिया कितना कवर किया, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, = πD²। तो इस चैप्टर के अंदर ये वाला जो प्रोपेगेशन वाला टॉपिक है इसमें केवल दो फॉर्मूले आएंगे, एक तो D = √2RH एंड एरिया = πD²। ओके, इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। A radar has a power of 10 kV and it's operating at a frequency of 20 gigahertz. Okay, it is located on the top of a hill of height 500 meter. Calculate the maximum distance up to which it can detect object located on the surface of the earth. तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि हमें केवल ट्रांसमीटर के लिए या रिसीवर के लिए निकालना है, हमें यहाँ पे रेडार के लिए कैलकुलेट करना है, तो सिंगल के लिए D = √2RH। पावर गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाइट गिवन है हमें यहाँ पे, ओके, एंड अर्थ का रेडियस गिवन है, यहाँ पे गिवन है, बट आपको ये याद भी होना चाहिए। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाया D = √2RH, 2 रेडियस का वैल्यू रखा 6.4 × 10⁶, हाइट का वैल्यू रखा 500 मीटर। व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट 8 × 10⁴ मीटर। और अगर आपको किलोमीटर में कैलकुलेट करना है तो आप 1000 का डिवाइड कर दोगे, तो आपकी वैल्यूज किलोमीटर में भी आ गई और यहाँ पे मीटर पे भी आ गई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ अ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 128 मीटर, ओके, हाइट गिवन है, हाउ मच स्क्वायर एरिया कैन बी कवर्ड बाय द ट्रांसमिटेड सिग्नल। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है कि इसके थ्रू कितना एरिया कैलकुलेट करना है इफ द रिसीविंग एंटीना इज एट ग्राउंड लेवल। अर्थ की रेडियस भी हमें गिवन है, एरिया के लिए आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगेगा, πD²। व्हाट इज द D, ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ओके, ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एरिया का वैल्यू रखा = πD², बट वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कौन से फॉर्मूले से निकल जाएगा, D = √2RH। 2 का वैल्यू रखा, रेडियस का वैल्यू रखा, हाइट का वैल्यू रखा 128 मीटर। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस। इसके बाद आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स = πD²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 3.14, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है 40470 मीटर है। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया तो 40.470 किलोमीटर आया। इसके अंदर हम डिस्टेंस कई बार किलोमीटर में क्यों ले लेते हैं, क्योंकि मीटर के अंदर कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या किया, इसे 1000 से डिवाइड करके 40 में पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, और मैं नियर बाय 40 ले रही हूँ ताकि मेरा नियर बाय आंसर आ जाए। ओके, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो यू कैन डू इन दिस मैथड ऑल्सो टू डी नियर बाय 40 × 40 एंड यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर लिया। इट विल बी इन km², क्योंकि वैल्यू अगर मैंने किलोमीटर में ली है तो यूनिट क्या हो गई यहाँ पे, km²। अगर मीटर में लेंगे तो इट विल बी m²। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 68 मीटर एंड द रिसीविंग एंटीना एट द टॉप ऑफ टावर इज 34 मीटर। तो देखो यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीना की भी हाइट दी है, रिसीविंग एंटीना की भी हाइट दी है, और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर द सेटिस्फैक्टरी ट्रांसमिशन इन लाइन ऑफ साइट मूव, दैट इज ओके। तो मतलब हमें दोनों डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए भी और रिसीविंग एंटीना के लिए भी। ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट 68 मीटर, रिसीविंग एंटीना की हाइट 34 मीटर एंड रेडियस इज 6400 किलोमीटर। आप इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन से कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रांसमिटिंग एंटीना कवर करेगा दैट इज √2RH ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए, दिस इज फॉर रिसीविंग एंटीना। दोनों के लिए कितना कवर करेगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे. ओके, 2r कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या आया, st plus hr, and now we will put the all the values. Okay, and when you will solve this, you will get 50.4 किलोमीटर आंसर. ओके, तो ये था प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Now we'll meet you in the next lecture. Till then, please take care of yours and please subscribe the channel. Bye all.